हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और श्री खेतेश्वर स्कूल बनारस नागरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्कूल की तरफ से क्लास 12 की भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स की कुछ क्लासों का यूट्यूब वीडियो बना के आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप अपना स्टडी को जारी रख सकें। इस बुक में टोटल 17 चैप्टर्स हैं, 17 चैप्टर्स हैं। बोर्ड के द्वारा कुछ चैप्टर्स को रिमूव किया जाएगा, बट अभी तक कोई न्यूज़ इसकी नहीं है कि कौन कौन से टॉपिक रिमूव किए जा रहे हैं। हम जो है वो सर्वप्रथम जो चैप्टर ले रहे हैं वो पहला है, जिसका नाम विद्युत क्षेत्र है यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है। इन सब का अध्ययन करने के लिए हम जिस विषय को सबसे पहले पढ़ रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को सबसे पहले कंसिडर किया जा रहा है, वो है आवेश यानी कि चार्ज। यही वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वस्तुओं में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब सवाल ये आता है कि आवेश होता क्या है। आवेश को चार्ज को वास्तविक डिफाइन नहीं कर सकते, एग्जैक्ट इसकी परिभाषा हमारे पास नहीं है अभी तक। केवल वस्तुओं के गुणों के आधार पर हम इस आवेश को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आवेश क्या होता है, कैसे जो है वो प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, गुण क्या क्या है। सबसे पहले जो है वो बात कर रहे हैं आवेश की। परिभाषा तो दी जाती है, वो परिभाषा ये दी जाती है कि आवेश एक प्रकार का गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यानी कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आवेश एक प्रकार का गुण है जो वस्तुओं के साथ भिन्न व्यवहार दर्शाता है, यानी कि शो द डिफरेंट बिहेवियर विद अदर ऑब्जेक्ट्स। यही वो प्रॉपर्टी है जिसको क्या कहा जाता है, आवेश कहा जाता है। यहाँ लिखा जा सकता है कि आवेश वह गुण है जो दूसरी वस्तुओं से भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करता, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी शो द डिफरेंट बिहेवियर अदर ऑब्जेक्ट। यानी कि चार्ज वो प्रॉपर्टी है जो ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट बिहेवियर शो करती है, अलग व्यवहार प्रदर्शित करती है, उस गुण को कहा जा रहा है आवेश। अब जो है वो आवेश के दो प्रकार, टू टाइप ऑफ चार्ज। पहला धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा है सेकंड ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। आवेश दो प्रकार के हैं,
टू टाइप ऑफ चार्जेस, पहला धनात्मक आवेश द पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है ऋणात्मक आवेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। ये दो प्रकार के चार्ज पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये ऋणावेश होता है या इस पर ऋणावेश पाया जाता है। ऋणात्मक ये इसका जो चार्ज है वो नेगेटिव नेचर का है। सेकेंड पॉइंट्स में एग्जांपल में ले सकते हो आप प्रोटॉन, इसके ऊपर धनात्मक आवेश पाया जाता है। जब पॉजिटिव चार्ज और अगर किसी के कण के ऊपर या वस्तु पे किसी तरीके का आवेश अगर नहीं है उसको निरावेश यानी कि हम लोग चार्जलेस कह सकते हैं या विदाउट चार्ज कह सकते हैं कि उस वस्तु पे किसी प्रकार का कोई आवेश उपस्थित नहीं। तो हमारे को ये था कि आवेश के टाइप दो है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एग्जांपल के तौर पर इलेक्ट्रॉन ले सकते हो, प्रोटॉन ले सकते हो, इसके अलावा अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, इस पर जो आवेश पाया जाता है वो भी धनात्मक होता है यानी कि पॉजिटिव आवेश पाया जाता है। इस पर जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव होता है। तो ये तो हुए आपके आवेश के का, ध्यान रहे ये इनिशियल टॉपिक से, पर ये समझ में आता है तो ही आपका चैप्टर आगे चल पाए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने इसके लिए। अब इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो ले रहे हैं वो है आवेश का मात्रक यानी यूनिट ऑफ चार्ज। ये सवाल बोर्ड में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि आवेश का मात्रक क्या होता है। ऐसा यूनिट में अलग है, एमकेएस में अलग है, सीजीएस में इसका अलग है। आवेश के अगर मात्रक की बात करें सबसे पहले लिया जा रहा है SI मात्रक, SI यूनिट। ये 11th में था सिस्टम इंटरनेशनल, अगर किसी को याद हो तो ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ये यूनिट्स होती है तीन, MKS, CGS, SI और FPS। टोटल जो है यूनिट्स में से ये SI यूनिट्स है। अब SI यूनिट में सबसे पहले जो मात्रक लिया जा रहा है वो मात्रक में लिख रहा हूं आपका एम्पियर इंटू सेकेंड, या इस तरीके से लिखा हुआ एम्पियर इंटू सेकेंड, ये इसका SI मात्रक है। एम्पियर इंटू सेकेंड लिखा जा सकता है। कहाँ से आया ये 11th में था आप लोगों के, चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि 11th के अंदर ये दिया हुआ था कि धारा इज इक्वल टू आवेश बट्टा समय, यानी करंट आवेश यानी कि चार्ज और टी यानी कि टाइम। इसे अगर आवेश की यूनिट निकालना चाहे तो लिख सकते हो आप आवेश इक्वल टू हो गया धारा इनटू समय। अभी हमने पढ़ रखा है कि धारा जो है उसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, समय जो है वो सेकंड में होता है। यहाँ से मात्रक लिखा जा सकता है एम्पियर इनटू सेकंड, ये इसका ऐसा ही मात्रक। पहले मात्रक की बात करें हमने, आवेश का मात्रक क्या हो गया SI मात्रक, वो एम्पियर इनटू सेकेंड। दूसरा मात्रक
मात्रक जो लिया जा रहा है वो मात्रक मैं लिख रहा हूं यहां पर गुलाम। गुलाम है सेकंड मात्रक जो है इसका वो मैं लिख रहा हूं गुलाम। डिनोट किया जाता है वो है सी से। ध्यान रहे ये छोटा सी है, बड़ा सी नहीं है। बड़ा सी जो आता है वो धारिता इनके पर्सेंटेंस के लिए काम में लिया जाता है। तो दूसरा मात्रक लिया जा रहा है वो है गुलाम। आपकी जितने भी न्यूमेरिकल से चैप्टर में आ रहे हैं उसमें मात्रक के साथ में कन्वर्ट कर रखा है, यानी कि उसमें छोटे मात्रक भी दिए हुए हैं। ध्यान रहे आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सिस्टम एमकेएस काम में आना है और सभी के अंदर जितने भी बात है उसको गुलाम में कन्वर्ट करना है। जैसे कुछ छोटे मात्रक हैं माइक्रो गुलाम, माइक्रो गुलाम, और एक माइक्रो गुलाम जो है वो 10^-6 गुलाम के बराबर होता है। ध्यान रहे एक माइक्रो गुलाम 10^-6 गुलाम के इक्विवेलेंट तुल्य माना जाता है। इसके अलावा एक नैनो गुलाम, एक नैनो गुलाम एक नैनो गुलाम का मतलब है 10^-9 गुलाम। ठीक है, इसके अलावा एक है एक पिको गुलाम, एक पिको गुलाम होता है 10^-12 गुलाम के बराबर। तो ये कुछ छोटे मात्रक है, कुछ छोटे यूनिट्स हैं। एक माइक्रो गुलाम 10^-6 गुलाम के इक्विवेलेंट, एक नैनो गुलाम 10^-9 के इक्विवेलेंट, और एक पिको गुलाम 10^-12 के तुल्य माना जाता है। ध्यान रहे आपको इनमें से कोई भी यूनिट के अंदर आवेश दिया जा सकता है। इस आवेश को बदलना इसमें सभी को गुलाम में कन्वर्ट करके रखना है ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने प्रॉब्लम ना आए। ये तो कोई दूसरे मात्रक की गुलाम की न्यूमेरिकली लगभग सभी में यही दिया हुआ है। इसके अलावा तीसरा मात्रक में ले रहा हूं, पहला मात्रक हो गया आपका एम्पियर इंटू सेकेंड। सेकेंड जो मात्रक लिया जा रहा है वो मैंने लिखा है गुलाम। तीसरा जो मात्रक है वो है स्टेट गुलाम, जिसको लिखा जा रहा है ESU। ठीक है, इसका पूरा नाम इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 3×10^9 कूलाम के इक्विवेलेंट मानी जाती है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 3×10^9 कूलाम के तुल्य मानी जा सकती है। और ये सवाल बोर्ड ने पूछ सकता है कि एक ESU कितने कूलाम के तुल्य होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जो है वो 3×10^9 3×10^9 गुलाम के बराबर माना जाता है। इनके अलावा एक और भी है EMU, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। ये होती है 3×10^10 ESU के तुल्य। इसमें एक काम करें, 1 EMU फोन में लिख देता हूं मैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 10 कूलाम के तुल्य होती है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट लगभग 10 कूलाम के तुल्य मानेगा। इसके अलावा एक यूनिट और है वो है फैराडे। लास्ट यूनिट जो है वो है फैराडे, और फैराडे ये सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है। सबसे बड़ा मात्रक माना जाता है, वैल्यू
96,500 गुलाम के तुल्य होता है। तो ये हमारे पास में जो है वो टोटल 5 यूनिट्स हो गई है। पहला जो लिखा था एम्पीयर इनटू सेकंड प्रीवियस में, सेकंड आपका कूलाम, इसमें कुछ छोटे यूनिट्स हैं माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम और पिका कूलाम। इसके अलावा स्टेट कूलाम ESU 3 इनटू 10 टू द पावर 9, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कह सकते हो इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहा जाता है, ये 10 कूलाम की इक्विवेलेंट मानी जाती है। और लास्ट जो है वो है फैराडे जो कि 96,500 कूलाम के इक्विवेलेंट का मानी जाती है। ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये बोर्ड में ऑलरेडी पूछ रखा है कि 1 ESU कितने के इक्विवेलेंट होता है या फिर 1 EMU जो है उसमें कितने कूलाम पाए जाते हैं। तो हमने फिलहाल दो चीजें कंसीडर की है, आवेश के प्रकार कितने वो हम देख चुके हैं, दो पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अलावा मात्रक की बात करें तो 5 हमने जो है वो टोटल मात्रक कंसीडर किए। नेक्स्ट में अगर हम चलना चाहें वो आता है आपके पास में आवेश जो है वो होते कितने प्रकार के थे, क्या किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। अगर आपको आवेश देना है तो आप आवेश उसको किस तरीके से आप चार्ज दे सकते हो। एक चीज का ध्यान रहे, किसी भी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि आवेश को उत्पन्न करना और नष्ट करना दोनों संभव नहीं है। किसी भी वस्तु को अगर आवेशित करना है तो आपको उसको चार्ज देना होगा या उससे चार्ज लेना होगा, लेने वाला और देने वाला, जिसने एमिट किया है जिसने अब्सॉर्ब किया है दोनों के दोनों चार्ज होंगे। चार्ज किस तरीके से होंगे, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ये कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये एक ऑब्जेक्ट है बी, फिलहाल के लिए दोनों न्यूट्रल है, उदासीन है, किसी के पास कोई भी आवेश नहीं है। अगर मान लो किसी भी प्रक्रिया के तहत ये कुछ आवेशों का उत्सर्जन करता है, एमिट करता है, और बी उन आवेशों को कैप्चर कर जाता है, संग्रहित कर जाता है, तो जिस वस्तु ने दिए है उस पर कौन सा आवेश आएगा, प्लस का। जिस वस्तु ने लिए है उस पर आवेश कौन सा आएगा, माइनस का। इसका मतलब ये हुआ कि आवेशों का उत्सर्जन करने वाली या आवेश देने वाली जो वस्तु होगी वो हमेशा धनावेशित होगी, और जो वस्तु इन आवेशों को ग्रहण करेगी, अवशोषित करेगी, कैप्चर करेगी, वो वस्तु हमेशा ऋणावेशित होगी। तो जो वस्तु देगी वो पॉजिटिव, जो वस्तु लेगी वो नेगेटिव। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि आवेश केवल स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे स्थानांतरित किए जा सकते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि आवेश संरक्षित होता है, चार्ज कंजर्व, आवेश संरक्षित होता है। इसका मतलब साफ है कि आवेश को उत्पन्न करना और नष्ट करना दोनों पॉसिबल नहीं है, आवेशों का स्थानांतरण किया जा सकता है। स्थानांतरण के तहत आप वस्तु को पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश दे सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आवेशों के गुण की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, कि आवेशों के गुण कौन कौन से होते हैं। भाई ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसमें से बोर्ड एक एक नंबर के सवाल हर बार पूछता है, जैसे पिछले यूनिट में से एक सवाल हो गया। आवेशों के गुणों की बात करें तो इसके 6 या 7 गुण प्रॉपर्टीज है, उसमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहला है आवेशों में योग का गुण, यानी कि सम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेशों में योग का गुण पाया जाता है।
प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। आवेशों के योग के गुण का मतलब क्या हुआ? समेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज या एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कह सकते हो। जैसे मान लो किसी वस्तु के बाद मैंने कह दिया मेरे पास में जो आवेश है वो आवेश 50 कूलम माइनस 20 कूलम और 10 कूलम, ये तीन प्रकार के वैल्यूज यानी कि मार्क मैंने एक ऑब्जेक्ट को दे रखे और मैंने आपसे ये पूछ लिया कि इसके ऊपर कुल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना हुआ। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, सीधा सीधा इनका बीजगणितीय योग किया जा सकता है, एल्जेब्रिक सम आप कर सकते हो। जैसे 50 माइनस 20 और प्लस के 10, कितने बचे, यानी कि 40 कूलम चार्ज इस वस्तु पर उपस्थित है। तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि इसमें योजकता का गुण पाया जाता है आवेशों में, या आप ये कह सकते हो कि एडिशन प्रॉपर्टी पाई जाती है, एडिटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है, या सम की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आवेशों में सबसे पहले योग का गुण है। तो किसी भी वस्तु पे कुल आवेश की अगर बात करें तो आप उन आवेशों को जोड़िए, ध्यान रहे प्लस के तो प्लस के और माइनस के तो माइनस, ऐसा नहीं कि सभी को एक साथ ऐड करके साथ टोटल पॉजिटिव हो गए, नहीं, प्लस के तो प्लस लिखिए माइनस है तो माइनस। जैसे मैंने वस्तु में तीन चार्ज बोले 50 का 20 का और 10 का, अब इसमें मैंने जो 20 लिखा है वो माइनस का है, 20 माइनस का लिखा भी है इसमें से अपने आप चला गया, बचा कितना 40। अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि एग्जाम्पल के तौर पे ये वो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट पर कुछ चार्जेस मैं लिख रहा हूँ, एक चार्ज है माइनस 10 कूलम, सेकेंड चार्ज इज माइनस 20 कूलम और थर्ड चार्ज इज माइनस अगेन 20 कूलम, और मैंने ये पूछ लिया कि इस पे कुल आवेश कितना है, टोटल चार्ज कितना है। तो आप सीधा सीधा इनका योग कर सकते हो। तो कुल कितना हो गया, माइनस के 10, माइनस के 20 और माइनस के 20, ये माइनस के 50 कूलम। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके आवेशों में योग की, आप उसके आवेशों को जोड़ सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुल जो आया वो पॉजिटिव हो, ऐसा भी हो सकता है कि कुल जो आया वो नेगेटिव हो, और थर्ड ये भी हो सकता है जो टोटल आया वो जीरो हो जाए, टोटल जो हो वो जीरो है। अब एक सवाल ये भी आता है कि क्या किसी वस्तु पर अगर मान लो मैं कह देता हूं कि टोटल आवेश का मान जीरो है, क्यों लिखा है मैंने ये आवेश को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कहीं स्मॉल क्यू है, कई बुक्स में कैपिटल क्यू लिखा हुआ है, तो मैंने कह दिया क्यू जो है वो जीरो है, किसी वस्तु पे कुल आवेश का मान शून्य है। तो आप क्या ये कह सकते हैं कि इस पे आवेश है या नहीं है, गलत, टोटल चार्ज जीरो है। अब ऐसा भी हो सकता है जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, इसे मान लो मैं कह दूं कि इस पे हो सकता है 50 कूलम प्लस के माइनस 50 कूलम माइनस के दो ही चार्ज हो। ऐसा भी हो सकता है कि सबका सम जीरो हो रहा हो, ये भी पॉसिबल है। तो ये नहीं कह सकते कि इस पे चार्ज नहीं है, चार्ज तो है लेकिन उनका टोटल जीरो है, यानी कि कुल जो आ रहा है वो आपका जीरो हो रहा है। तो ये आवेश की एंटी प्रॉपर्टी है, इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आवेशों में योग का गुण पाया जाता है, एंटी नेचर जो है वो आवेशों में उपस्थित होती है और आपके उन कुल आवेशों को आप जोड़ सकते हो। धनात्मक है तो धनात्मक और ऋणात्मक है तो ऋणात्मक, ये चीजें लिखी जा सकती है। तो पहला गुण हुआ इसका योग का, साथ साथ में आपको नोट करते चलेगा क्योंकि ये टॉपिक्स काफी बड़ा है, छोटा नहीं है, बोर्ड इनमें से सवाल कंसेप्ट पूछता रहता है। दूसरा जो मैं ले रहा हूं वो है आवेशों में आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण। Properties of attraction and the repulsion.
तो आकर्षण का और प्रतिकर्षण का गुण भी पाया जाता है। ये इसका सेकंड प्रॉपर्टी है, दूसरा गुण है। पहला तो हो गया आपके योजक का, दूसरा है आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण पाया जाता है। अब कब कब होगा? पहला इसमें समान आवेश यानी कि सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज में जो गुण पाया जाता है वो होता है प्रतिकर्षण का, यानी कि रिपल्सन नेचर। समान आवेश सजातीय के जगह लिखा हुआ है, सजातीय आवेश कह सकते हो, या आप इसको समान आवेश सिमिलर काइंड्स के अगर है तो उनमें कौन सा पाया जाएगा? प्रतिकर्षण। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे जैसे प्लस तथा प्लस है तो इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में, यानी कि रिपल्सन नेचर। माइनस तथा माइनस, इसके बीच में भी प्रतिकर्षण का, यानी कि धनात्मक धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋणात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन विजातीय आवेश, ये तो थे समान, विजातीय का मतलब जिनके प्रकृति अलग अलग हो, नेचर अलग अलग हो, यानी कि अगर एक प्लस का और एक माइनस का है तो उसमें आकर्षण का गुण पाया जाएगा। तो प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण, माइनस और माइनस के बीच में प्रतिकर्षण, प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण का गुण पाया जाता है। मैं यहां लिख सकता हूं कि विजातीय या भिन्न, ठीक है, यानी कि नॉन सिमिलर जो होंगे, नॉन सिमिलर चार्ज, इनके बीच में जो गुण पाया जाएगा वो गुण कैसा होगा? आकर्षण का, यानी कि अट्रैक्शन नेचर। तो मैं कह सकता हूं उदाहरण के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे, प्लस तथा माइनस, इनमें जो गुण पाया जाएगा वो कौन सा होगा? आकर्षण का। इसका मतलब प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज जो रहेगी वो उपस्थित रहेगी। तो क्या कहा जा सकता है कि आवेशों में आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। अब इसमें यह भी कहा जा सकता है कि प्रतिकर्षण कब होगा और आकर्षण कब होगा। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, सिमिलर बिहेवियर के हैं, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है तो पाया जाएगा प्रतिकर्षण। और अगर दोनों के दोनों जो है वो डिफरेंट नेचर के, यानी कि एक प्लस और एक माइनस है, तो इनमें पाया जाएगा आकर्षण। तो ये हुई आज के लिए दो प्रॉपर्टी आवेशों की। इन्हें आवेशों के जो गुण है उसमें सबसे पहले हमने ले ली योजक, और दूसरा हमने ले रखा है वो है आवेशों के आकर्षण व प्रतिकर्षण का गुण। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आवेशों के बीच में आकर्षण, प्लस और प्लस के बीच में प्रतिकर्षण, माइनस और माइनस के बीच में प्रतिकर्षण, रिपल्सन नेचर पाया जाएगा। तो जो आवेशों की शुरू से जो टॉपिक को एक बार मैं रिवाइंड कर रहा हूँ वापस, वो हल्का सा ब्रीफिंग में देख लें कि आवेश जो है उसको एग्जैक्ट डिफाइन नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि आवेश एक प्रकार का गुण है जो दूसरी वस्तुओं के साथ अलग व्यवहार प्रदर्शित करता है, शो द डिफरेंट बिहेवियर विद द अदर ऑब्जेक्ट्स। आवेश दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव, सेकंड इज अ नेगेटिव चार्ज। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रॉन ले सकते हो वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन ले सकते हो वो पॉजिटिव होता है, अल्फा कण जो है वो पॉजिटिव ड्यूली पॉजिटिव होता है, डार्क डबल पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन है वो पॉजिटिव होता है। हाँ, न्यूट्रॉन हुआ या डस्ट पार्टिकल में इज अ न्यूट्रल, ये पार्टिकल जो है वो उदासीन होते हैं। सेकेंड में हमने लिया था कि भाई आवेशों के मात्रक कौन कौन से। तो आवेशों के मात्रक में पहला हमने एम्पीयर इन टू सेकंड कंसिडर करा, सेकंड जो मात्रक हमने ले रखा था वो था आपका कूलाम, क्योंकि छोटे मात्रक नैनो कूलाम, पीको कूलाम, माइक्रो कूलाम्स भी होता है 10^-8 -3, ये भी होता है। इसके अलावा जो है वो हमने स्टेट कूलाम देखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स ESU, तो 3×10^9 कूलाम की इक्विवेलेंट होती है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो कि 10 कूलाम की इक्विवेलेंट होती है, जो बोर्ड ने ऑलरेडी पूछ रखा है सवाल। उसके बाद आती है कि वस्तुओं जो आवेश है उसके गुण कौन कौन से है। सवाल हाफ ईयरली में पूछ रहे थे आवेशों के, दो प्रकार के गुण लिखिए, टू टाइप्स,
प्रॉपर्टीज लिखो, कोई सी भी आप दो लिख सकते हो, तो दो ही कंसिडर होगी, आगे चल रहे धीरे धीरे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम कंसिडर करेंगे वो करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।